हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे कि आखिर ट्विन टावर को क्यों गिरा दिया गया। ऐसा क्या हुआ होगा जो इतने महंगे बिल्डिंग को चंद मिनटों में मिट्टी में मिला दिया गया। दोस्तों, नोएडा में मौजूद ये ट्विन टावर्स जो कि दो बिल्डिंग्स के रूप में है, जिनकी ऊंचाई करीब 100 मीटर है, जिसे चंद मिनटों में ही गिरा कर धूल चटा दिया गया। अब दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर इतनी बड़ी इमारत को इतनी घनी आबादी वाले इलाके में बिना किसी को नुकसान पहुंचाए कैसे गिरा दिया गया। जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में, आप बस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखते रहिए। चलिए दोस्तों, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर ट्विन टावर को सुप्रीम कोर्ट ने गिराने का ऑर्डर क्यों दिया। दरअसल दोस्तों, इस पर 10 सालों से कोर्ट में केस चल रहा था। अब दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कभी भी अगर इस तरह के दो टावर्स बन रहे हों तो रूल्स के मुताबिक उन दोनों में कम से कम 16 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए, लेकिन इन ट्विन टावर्स में दोनों के बीच डिस्टेंस सिर्फ 8 मीटर ही रखा गया। इसलिए नोएडा अथॉरिटीज के ऑफिसर्स ने बिल्डर्स को इसकी NOC भी दे दी। साथ ही दोस्तों, इस टावर को भ्रष्टाचार का टावर भी कहा जा रहा है, क्योंकि इस बिल्डिंग को बड़ी बड़ी अथॉरिटीज को रिश्वत देकर बनाया गया। इसके अलावा ये ट्विन टावर जिस जमीन पर बना है वो किसी दूसरे प्रोजेक्ट का प्लेग्राउंड है। अब दोस्तों, आपको बता दें कि इन ट्विन टावर्स को गिराने की वजह से बिल्डर्स को 500 करोड़ का नुकसान हो गया। इन टावर्स में टोटल 897 फ्लैट्स को बनाया जाना था, मगर अभी तक ये सिर्फ 600 फ्लैट्स तक ही बना था, जिसमें लगभग 500 करोड़ का खर्चा हुआ था। चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि आखिर इतने बड़े बड़े बिल्डिंग्स को 10 से 12 सेकंड में कैसे मिट्टी का ढेर बना दिया जाता है। दोस्तों, इस काम के लिए एक स्पेशल टीम बुलाया जाता है, जिसे एक्सप्लोसिव के बारे में पूरी जानकारी होती है। साथ ही उन्हें ये भी ज्ञान होता है कि कितने बड़े बिल्डिंग्स में कितना एक्सप्लोसिव इस्तेमाल होगा। दोस्तों, ट्विन टावर के केस में इंजीनियर्स ने सबसे पहले तो काफी समय तक सभी कैलकुलेशन करी, और आप ये जानकर चौंक जाओगे कि इन बिल्डिंग्स को गिराने में टोटल 17.5 करोड़ रुपए का खर्चा आया। जी हाँ। अब दोस्तों, इन कामों को अंजाम देने के लिए सबसे पहले तो करीब 500 मीटर के दायरे में सभी घरों को खाली कर दिया जाता है, और लोगों का उस एरिया में आना जाना भी बंद कर दिया जाता है, क्योंकि ये एक ऐसा काम है जिसमें अगर जरा सी भी गलती हुई तो आसपास के लोगों का या फिर बिल्डिंग्स को काफ़ी नुकसान हो सकता है। सबसे पहले ट्विन टावर में सभी एक्सप्लोसिव को उनकी सही जगह पर फिट कर दिया गया, और फिर रिमोट के सहारे दूर से ही कुछ इस तरह से ब्लास्ट कर दिया गया, और देखते ही देखते पूरा का पूरा ट्विन टावर मिट्टी में मिल गया। दोस्तों, आपको बता दें कि ये इंडिया का सबसे बड़ा डिमोल्यूशन है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर करना।